हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग टॉक्स में। आज का लेसन प्लान है फिजिकल साइंस का, टॉपिक है वाटर यानी जल पर लेसन प्लान है। स्किल है स्टिमुलस वेरिएशन की और कक्षा 9वीं के लिए लेसन प्लान रहता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी लेसन प्लान रहते हैं वो आप 6 to 9 तक किसी भी क्लास के लिए बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप विषय वस्तु लिखेंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया लिखेंगे, छात्र क्रिया लिखेंगे, श्याम पट कार्य और लास्ट में घटक लिखेंगे। तो लेसन प्लान की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आप कक्षा में एंटर करेंगे, सुप्रभात छात्रों, सुप्रभात मैडम जी बच्चे बोलेंगे, आप स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आप सबको पता होगा प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। बच्चे आंसर करेंगे वनस्पति, जल, मृदा और खाद्य पदार्थ। ठीक है, अब बच्चों ने आंसर किया तो आप बता सकते हैं कि तो आज हम जल के बारे में पढ़ेंगे। जो स्टिमुलस वेरिएशन है आप उसमें सीधा अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं। जल एक पारदर्शी, वेशभाद और गंधहीन रासायनिक पदार्थ है। कक्षा में चलते हुए टीचर ये सारी बात कहेगा तो कंपोनेंट यूज हो जाएगा यहाँ पर, मूवमेंट कंपोनेंट का यहाँ पे यूज हुआ। जल हमें तालाबों, झीलों, कुओं, नदियों आदि से प्राप्त होता है। सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हुए इस तरह से। और नेक्स्ट कहेंगे कि छात्राध्यापिका थोड़ा रुकते हुए यहाँ पे कंपोनेंट यूज हुआ पॉज का, पॉजिंग। हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल की अवस्थाओं के बारे में आगे बताया जाएगा। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, हाथ से इशारा करते हुए। नंबर 1 द्रव्य अवस्था, नंबर 2 ठोस और नंबर 3 होगी गैस अवस्था। इस तरह से अध्यापक 3 अवस्थाओं के बारे में बताएगा और इन्हें हम चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं। छात्रों को कहा जाएगा कि इन्हें हम चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कंपोनेंट यूज होगा ओरल विजुअल स्विचिंग का। छात्राध्यापिका चार्ट द्वारा पढ़ाते हुए, छात्र चार्ट की ओर देखते हुए। ठोस अवस्था में पानी बर्फ के रूप में जम जाता है, द्रव्य अवस्था सामान्य तापमान में होती है तथा गैस बहुत अधिक तापमान में बाष्प बन जाता है। सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं। और यहाँ पे कंपोनेंट का यूज किया गया है रिफोकसिंग का। नेक्स्ट देखिए, छात्राध्यापिका थोड़ा रुकते हुए आवाज में परिवर्तन के साथ, यहाँ पे कंपोनेंट का यूज किया चेंज इन स्पीच पैटर्न। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इस तरह आप ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं जल और जल के सूत्र का, लिख दीजिए। नेक्स्ट है जल के प्रकार। जल के प्रकार, जल सामान्यता 2 प्रकार का होता है। छात्राध्यापिका हाथ से बताते हुए, नंबर 1 मृदु जल, नंबर 2 कठोर जल यानी सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। यहाँ पे आपने अपने हाथ का प्रयोग किया, घूम घूम के बताया कक्षा में, तो आप जेस्चर्स का यूज करेंगे। तो आवाज में परिवर्तन के साथ सबसे पहले मृदु जल के बारे में बताया जाएगा। मृदु जल वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग बनाता है। यहाँ पे कंपोनेंट यूज हुआ चेंज इन स्पीच पैटर्न। थोड़ा सा आप अपनी आवाज में बदलाव के साथ कहेंगे कि जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग बना लेता है उसे मृदु जल कहते हैं। ठीक है बच्चों, बारिश के पानी में हाथ धोने से साबुन आसानी से नहीं जाएगा क्योंकि वह कठोर जल है। आप कभी घर में ट्राई करके देखना, बारिश के जल से अगर आप हाथ धोओगे तो वो साबुन जो है वो आसानी से नहीं निकलता क्योंकि जो बारिश का जल होता है वो कठोर जल होता है। तो आगे आप कठोर जल के बारे में बताएंगे। वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता वो क्या है, कठोर जल है। यहाँ पे कंपोनेंट का यूज हुआ चेंज इन इंट्रैक्शन स्टाइल। और इसके आगे जल कितने प्रकार का होता है आप किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रीना आप बताइए, रीना आंसर देगी जल 2 प्रकार का होता है। जल के प्रकारों को श्याम पट पर लिखिए। जल के प्रकारों को श्याम पट पर लिख दिया जाएगा मृदु जल और कठोर जल। इसे कोई बच्चा जो है वो लिखेगा ब्लैक बोर्ड पर, लिख के बताएगा। तो यहाँ पे कंपोनेंट यूज होगा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। अब टीचर कहेगा शाबाश, बैठ जाओ। तो बच्चों, आज हमने जल, जल की अवस्थाओं तथा प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। ठीक है, इस तरह से आपका लेसन प्लान खत्म हो जाएगा। धन्यवाद, और छात्रों की तरफ से भी धन्यवाद दे दिया जाएगा।
तो इस तरह से ये स्टिमुलस वेरिएशन का लेसन प्लान था। इसके आप कंपोनेंट्स देख सकते हैं, 8 कंपोनेंट लिखे हैं, मूवमेंट, जेस्चर्स, चेंज इन स्पीच पैटर्न, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, रीफोकसिंग, ओरल विजुअल स्विचिंग, पॉजिंग एंड फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। ये सारे कंपोनेंट का यूज़ किया गया है लेसन प्लान में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।